माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ सब्जी का पुलाव या चाइनीज़ वेजिटेबल राइस भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमें चाहिए बंद गोभी और फूल गोभी। तो फूल गोभी के ये फूल आपने निकाल लें, छोटी वाली आप फूल गोभी ले लीजिएगा, उसके फूल निकाल लीजिएगा। इस तरह बीच का जो डंडी होती है उसमें काट के, बीच में जो जड़ होती है वो काट के उसमें से इस तरह छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। ये हमारी फलियां हैं, तकरीबन मैंने 10 से 12 फलियां धो के और काट ली हैं। ये हमारी गाजर है, ये तकरीबन 2 गाजरें मैंने ली हैं, उसको बारीक बारीक काट लिया है। ये हमारे मटर हैं, आधी प्याली मटर ली हैं। हमारे आलू हैं, ये भी मैंने काट के इसको भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं, ठीक है। ये हमारी चीज़ें, अच्छा ये हमारी बंद गोभी है और शिमला मिर्च और बंद गोभी को उबाल नहीं सकते क्योंकि ये सारी नरम हो जाएगी। ये हमारा एक बैंगन है, तो हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हम ये सब चीज़ें अपने पानी के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम 2 मिनट के अंदर निकाल देंगे। लेकिन ये हमने चीज़ें अपनी डाल दी है सब्ज़ी, क्योंकि ये थोड़ी सख्त रह जाती हैं तो इसको डालना पड़ता है। डाल देंगे तो क्या होगा कि ये अच्छी बनेगी। तो ये तकरीबन 2 एक उबाल आएगा, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल छान लूँगी इसका पानी। अच्छा, हमारा जो सब्ज़ी है जो उबालने की, वो मैंने उसको उबालने के लिए रख दी है। इसके अलावा हमारी हरी प्याज है, ऊपर से हम गार्निश करेंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट ली। ऊपर की हरी प्याज का ऊपर का जो वाइट हिस्सा है वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने पकाने में। 2 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, और उसको हमने इसको अच्छी तरह छील के उसके भी छोटे छोटे पीस कर लिए। ये हमारा बैंगन है, क्योंकि बैंगन एंड टाइम पे ही काटेंगे वरना ये काला पड़ जाएगा। 2 हमारे कप चावल हैं जिनको मैंने धो अच्छी तरह साफ़ करके धो के 3 दफ़ा और उसको भिगोने रख दिया है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। ये हमारी बोनलेस चिकन है, इसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए है। 1 पीस लिया है, ज़्यादा नहीं। 2 अंडे उबाल लिए मैंने पहले से ही, इसको स्लाइस करके ऊपर से गार्निश करेंगे। ये हमारा नमक है, हसबैंड आय का काली मिर्च जितने आपको पसंद है, स्पाइसी वो करना हो तो 1 टेबल स्पून है। सिरका है तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमारा सोया सॉस है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमारा चिली सॉस है। और ये हमारा चिकन पाउडर कह लें या चाइना सॉल्ट कह लें, मैं चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, तो वो तकरीबन मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। इनमें से जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं डाल दूँगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना, आप चाहें तो उसको कम भी कर दें और आप चाहें तो स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। ये ऊपर से मैं डालूंगी। अच्छा, ये जो बंद गोभी और ये शिमला मिर्च जो मैंने काटी है ना, ये ऊपर से जब मैं पकाऊंगी जब डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसको कुक कर लिया उबाल लिया तो ये बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी, तो ये उस वक्त गलती है, ठीक है। तो ये देखें हमारा सब्जी, देखें इसका पानी निकालना ज़रूरी रहता है, वरना एक तो बादी होती है। दूसरा ये कि ये जब हम बनाएंगे अपना पुलाव तो उसके अंदर ये सही तरह पक नहीं पाएंगी। ये मैं इसको छान लूँगी इसका पानी, और ये बिल्कुल सही फ्रेश होंगी और ये इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। आप इस वक्त चाहें तो थोड़ा सा सिरका मिला सकते हैं, सिरके से क्या होता है इसका कलर चेंज नहीं होता। गाजर मटर फली और ये फूल गोभी, ये हमारी वैसे की वैसी रहती है, और वैसे जो अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है कलर चेंज हो जाता है। तो इसकी एक गारंटी है कि आप इस तरह उबाल के रखेंगे और फिर बनाएंगे तो बड़ा अच्छा बनेगा। ज़्यादा नहीं, फिर इसका एक उबाल आएगा उसके फिर मैं इसको उतार दूँगी। ये नरम हो गया, अब मैं इसे निकाल दूँ। आँच हल्की कर दें इसकी और इसको आप छान लें। नरम खाने रही हूँ, ये देखिए इतना प्यारा कलर है इसका। ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है, को हम निकाल लेंगे पानी से, ठीक है। ज़्यादा देर करेंगे तो सारी इसकी जो विटामिन सब चीज़ सब्जी में निकल जाएंगे, इसलिए फ़ौरन एक बॉल मैंने, बल्कि मैंने एक बॉयल भी नहीं लिया, पानी गर्म था उसको फ़ौरन निकाल लिया। देखें चीज़ नरम पड़ गई है, इसको हम रखते हैं साइड पे। करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान, इसमें ऑयल डालेंगे हम तकरीबन 1/2 कप आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये चावल है और सब्जी है। तो अच्छा, इसके अंदर मैं है नहीं ऑप्शनल, मगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद जीरा डालती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा सफ़ेद जीरा डालने में मज़ा आता है, थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो ये हमने डाल दिया, उसके फिर हमने डाली अपनी ये चिकन और बिस्मिल्लाह।
इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट कीजिएगा आप, वो डाल करके डाल दें। इसमें थोड़ा सा नमक डालेगा क्योंकि चिकन है और तो उसके अंदर थोड़ा टेस्ट आना चाहिए, तो इसलिए हम नमक डालेंगे इसके अंदर। हम लहसुन का पेस्ट डाल दिया, हाफ टी स्पून डाल दिया। अगर आपको बहुत बादी लगता है तो आप इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर मैंने पानी निकाल दिया था तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं होगा डालना। तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त चिकन हो रही है ना हमारी, आ रही है आपको। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना ये हरी प्याज का वाइट ऑरेंज, मिक्स करेंगे ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। हम डालेंगे काली मिर्च हाफ टी स्पून डालेंगे अभी, क्या जबरदस्त कलर आया है ना इसका। ये हमारी इस पर चिकन को खो चुकी है, लेकिन तो ये लगा दबा के लेकिन ये बिल्कुल वाह। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी सारी सब्जी, ये सब्जी हमारी सब्जी, और इसके अंदर हम हमारी सब्जी भी डाल देंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे बैंगन, किसी वक्त वरना क्या होगा ये वक्त बैंगन का कलर चेंज हो जाता है, तो ये हमने आप चाहें तो बीच में से कट करके भी डाल सकते हैं आप स्लाइसर में, मगर क्या होता है कि वो बैंगन का कलर चेंज होता है, तो इसलिए मैंने फ़ौरन इस टाइम डाली है ताकि ये कलर चेंज ना हो और बैंगन बड़ा ज़बरदस्त सा नज़र आए आपको, देख रहे हैं आप। अच्छा बैंगन की जो डंडी है ना इसको नहीं फेंकना है, वो उसको फेंक देते हैं नहीं, ये बहुत अच्छी होती है और बड़े मज़े की होती है। अब हम इसमें डालेंगे अपना सोया सॉस, चिली सॉस, ये हमारा वाइट सरका, ये हमारी बाकी की मिर्च ये डाल दी। उसके बाद हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो डालेंगे, ये हमारी हरी मिर्चें हैं ये हमने डाल दी, ठीक है। और थोड़ा सा कुक करेंगे, क्या खुशबूएँ आ रही हैं। अच्छा आपको ज़्यादा लगे ना ये, तो ये आप संभाल कर रख लें और जब नेक्स्ट टाइम बनाएं तो ये फिर आपका मसाला काम आ जाएगा, ये जो वेजिटेबल का, अगर आपके चावल कम हैं और मसाला ये सब्जी ज़्यादा है तो ये एक में एडवांटेज आपको दूँगा आपको। अच्छा इसके बाद हमारा ये देखिए खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये है ये कुक हो चुका है, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम ये टमाटर डालेंगे जो हमारे छिलका हमने काट के उसको काटे, और तो हम इसमें नमक डालेंगे जो बाकी थोड़ा सा रह गया था, क्या ज़बरदस्त कलर आया, चमक देखें इसकी। ये जब बनता है ना इतना सोंदा और इतना मज़े का होता है ना, जो बच्चे नहीं खाते ना सब्जियाँ वो भी खाना शुरू कर देते हैं, इतने मज़े का होता है। तो ये हमने डाल दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये अपने इसके अंदर टमाटर हमारे बिल्कुल घुल जाएंगे। आप देखेंगे टमाटर घुल ही नहीं आएंगे, आप कहेंगे टमाटर डाले थे या नहीं, क्योंकि मैंने इसका छिलका उतार लिया, छिलका उतारने से क्या होता है टमाटर नज़र ही नहीं आएगा और ये पेस्ट होकर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, सिर्फ गाजर नज़र आएगी इसमें, ठीक है। और आपको अगर ये फूल गोभी बड़ी बड़ी लग रही है तो उसमें छोटी कर लें इसको। अब ये मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगी ताकि टमाटर में गल जाए, फिर उसके बाद मैं इसको चावल डाल दूँगी। अच्छा इसमें आपको नमक कम लगेगा या फिर मिर्च कम लगेगा तो आप इसके अंदर अपना और डाल सकते हैं, भिगो दिए थे और अभी चावल डाल दी हूँ। 2 कप चावल है तो तकरीबन इसके अंदर 4 कप पानी डलेगा, ठीक है। चावल डाल रहे हैं, थोड़ा पानी रखें, कोशिश कीजिएगा ये पानी जो है ना इसका जो हमने भिगोया है ये वाला पानी ना जाए, हम जो पानी दूसरा है। और मैं पानी क्या करूँगी, जो मैंने सब्ज़ी का पानी निकाला था ना वो पानी में डालूँगी, क्योंकि वो पानी ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे सारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह गल गए, ये
हमारा पानी वही है जो सब्जी का हमने निकाला था, सब्जी हमने ड्रेन की थी, छाना था पानी हमारा सब्जी का, तो वो पानी हमने अपना डाल दिए। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे अब अपना चिकन पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा नमक और चेक करेंगे, तो नमक कम तो नहीं है। बहुत इजी, बस सब्जियां काटने पड़ता है, वरना बहुत इजी ये बनने वाला है और बहुत मज़े का होता है। चार कप पानी, दो कप चावलों में चार कप पानी डाल दिया मैंने और इसको मैं रख रही हूँ। अभी इसके अंदर अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं, हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं आप, इसके अंदर चिली सॉस और डाल सकते हैं आप, काली मिर्च में और ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। नमक कम लग रहा है आप नमक में ऐड कर दें, और चिकन पाउडर पसंद नहीं है तो आप मत डालें क्योंकि आपकी चिकन ऑलरेडी इसके अंदर है, मगर थोड़ा सा और टेस्ट इन्हेंस होता है इसलिए मैं डालती हूँ। ये मेरे दो अंडे जो मैंने छील लिए, अब इसको मैं अपने स्लाइसर में काट लूँगी ताकि ये स्लाइस बन जाए। ये देख, अभी जब तक ये पानी खुश्क होता है और ये दम पे लगाने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं रख रही हूँ, ये देखें ये बॉयल आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि अपना नमक और मिर्ची चेक कर लें। ये देखें ये बॉयल आ रहा है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, तो ये नमक मैंने पूरा डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके नमक डालना है, एकदम नमक नहीं डालना क्योंकि नमक डालने के बाद नहीं निकल सकता। थोड़ा थोड़ा करने के बाद ये होता है कि नमक बाद डाल सकते हैं, मगर एकदम जो डाल देते हैं ना वो गलत होता है। आप चाहे आपको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसमें सब्ज़ी आधी कर लें, मैंने थोड़ी थोड़ी डाली फिर। और ये सब्ज़ी का पुलाव तो सब्ज़ी तो होना चाहिए ना इसके अंदर। ये देखिए मुझे नमक और कम लग रहा है, मैं इसमें और ऐड करूँगी, मुझे चाहिए करारा नमक। बॉयल आ गए, बॉयल का मतलब ये है कि ये नमक के अंदर हल हो चुका है। जब ये बॉयल आता है इसका मतलब ये होता है कि हमारा नमक हल हो गया है। मुझे अभी भी कम लग रहा है, जबकि मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है नमक। ये देखिए, तो ये मेरा हो गया 2 टेबल स्पून नमक, ठीक है। और मुझे मिर्ची भी कम लग रही थी तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला था, तो फिर मैं तकरीबन आधा टेबल स्पून और डाला ताकि इसमें, और काली मिर्च भी डाली क्योंकि मुझे नमक कम, मिर्च भी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी काली मिर्च भी डाल दी। ये अब सही है, परफेक्ट है, ठीक है। अब ये मिलते हैं हमको, तकरीबन आपको मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद, जब ये पूरे चावल हमारे पानी खुश्क हो जाएगा और चावल नजर आएंगे, फिर हम इसके ऊपर दम लगाने के लिए हरी प्याज और हरी मिर्चें और अंडे डालेंगे और फिर हम दम लगाते हैं। ये देखें हमारे चावल का पानी खुश्क हो चुका है और ये रेडी हो गए हैं बिल्कुल दम लगाने के लिए। तो इसके लिए हमने डाल ली है हरी मिर्चें, मैं इसलिए कर रही हूँ थोड़ी सी चटपटा सा और हो जाए क्योंकि चटपटा बच्चे खाते हैं बड़े शौक से, तो मैंने कहा नहीं थोड़ी सी मैं हरी मिर्च और डाल दूँ। आप चाहें डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ना डालें, यहाँ पर डिपेंड करता है। ये देखिए ये मैंने हरी मिर्चें लंबी लंबी काट ली हैं, खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए इस तरह आप हरी मिर्च डाल दें, इसके अंदर आप हरी प्याज डाल दें, हरी प्याज डाल दी, कच्चे का फैला दी। अच्छा, अंडा मैं क्या करूँगी, एक अंडा मैं अभी ऊपर से डालूँगी और एक जो है ना मैं बाद में लगाऊँगी। और इसको हम कवर कर देंगे, आप चाहे फॉइल पेपर से कर दें, चाहे आप इसके ऊपर कपड़ा रख दें, कपड़ा चाहे तो कपड़ा रख दें, मेरे पास कपड़ा है मैं कपड़ा रख देती हूँ। ये कर लिया और इसको हमने कवर करके और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम होगा, और जब ये रेडी होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा। एक अंडा मैंने रख लिया है, जब मैं गार्निश मतलब जब मैं सबके सामने डिश में निकालूंगी तो फिर मैं एक अंडा रख लूँगी, ठीक है। चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर में। ये देखें हमारा वेजिटेबल राइस तैयार हो गए हैं, इसको चाइनीज राइस भी बोल सकते हैं और सब्जी का पुलाव भी बोल सकते हैं, जो आप चाहें, ठीक है। ये देखें ये हमारे चावल कैसे हैं, मैं खाते बताती हूँ आपको कैसे बने। ये देखें ये मैं तो खा रही हूँ, लहसुन रही हूँ।
मजा आ गया, बेहतरीन बने। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ईजी है। सब्ज़ी काट के आप फ्रिज में पहले से तैयार कर रखिएगा और फिर आप बनाइएगा, बेहतरीन बने, बहुत मज़े के बने। आप ज़रूर बना के दिखाइए, दिखिएगा और अच्छे लगे तो मुझे तब फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।